हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हमारा मोबाइल फ़ोन से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लिंक है कि नहीं है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन से पता कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन पहले से लिंक किया हुआ है या नहीं है। और आपका आधार और पैन पहले से लिंक नहीं है तो आप लिंक कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन से। उसके लिए मेरे चैनल पर फुल डिटेल पहले से वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में, इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो आपको दे दूंगा, आप देख लेना। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आधार और पैन जो है लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे वीडियो को लाइक करने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पे आपको इनकम टैक्स लिख देना है। इनकम टैक्स लिख करके आपको सर्च कर देना है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको ये वाली वेबसाइट आपको दिखेगी, ये वाली आपको इस पे क्लिक कर देना है, जो ये आप देख। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके मोबाइल में ओपन होगा, तो आपको यहाँ से स्क्रॉल अप कर देना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है, लिंक आधार स्टेटस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों पैन और आधार कार्ड लिंक हुआ कि नहीं हुआ चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का जो पैन नंबर है वो आपको सबसे पहले ऊपर इस ऑप्शन में लिख देना है। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इसमें आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों पैन नंबर और आधार नंबर दोनों लिखने के बाद में यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पे यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। पहले से आपका पैन और आधार लिंक है तो ऐसा कुछ इंटरफेस है जो आपके सामने ओपन हो जाए। यहाँ पे दोस्तों आपके पैन कार्ड का फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे दिखेगा और चेक कर लेना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो है ऑलरेडी पहले से लिंक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन आपका दिखेगा। तो यहाँ पे पहले से आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको अपना पैन और आधार लिंक करना है, लिंक करने के लिए आपको ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हो एंड स्क्रीन में, ये वीडियो आप देख ले। ये वीडियो को देख करके आप अपने मोबाइल से अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने छोटी सी जानकारी आपके साथ में शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।